गाइस, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिवाइस। अब इस डिवाइस के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डिवाइस के अंदर आपको एनहांस डेटा प्रोटेक्शन मिलता है। अब वो कहाँ पे मिलता है, आपको सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। अब सेटिंग में जाने के लिए आपको बस सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको सेटिंग में आने के बाद में एनहांस डेटा प्रोटेक्शन, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जाना होता है मोर एंड मोर सिक्योरिटी सेटिंग में, ठीक है। तो मोर सिक्योरिटी सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एनहांस डेटा प्रोटेक्शन चाहिए, ये वाला एप्लीकेशन, ये वाला ऐप चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि नो नेटवर्क कनेक्शन, मतलब ये अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको नेटवर्क कनेक्शन ऑन लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे नेटवर्क कनेक्शन से एक्टिवेट करवा देते हैं एंड उसके बाद में फिर ये वाला इसे एक्टिवेट करते हैं। देख सकते हो गाइस हमने क्या किया है, हमने ये वाला प्रोटेक्शन वाला फीचर जो है उसे एक्टिवेट कर दिया है। इसे एक्टिवेट करने के बाद में हमें क्या चाहिए, देखिए हमने इंटरनेट ऑन कर दिया है। इंटरनेट ऑन करने के बाद में चेकिंग डेटा प्रोटेक्शन, अब जैसे अगर हम यहाँ पे इसे एनेबल करते हैं, मतलब कि इनक्रिप्ट बैकअप डेटा, इनक्रिप्ट सिंक डेटा, तो जो भी डेटा आपका बैकअप होता है ना वो सबका सब इनक्रिप्ट हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि प्रोटेक्ट योर क्लाउड डेटा विद द एंड टू एंड इंक्रिप्शन, दिस इंश्योर्स नो वन कैन एक्सेस योर डेटा बट यू इवन इफ देयर इज अ डेटा ब्रिज, मतलब अगर डेटा ब्रिज भी हो जाता है तो आपके सिवा इस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसे ही बोलते हैं हम एनहांस डेटा प्रोटेक्शन। एंड ये चीज आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में मिल जाती है, तो इसे भी आपको एनेबल करना चाहिए। ओके गाइस, देखिए छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही आप इन्हें एक्टिवेट करोगे तो आपको जो है आपकी जीमेल का आईडी या फिर पासवर्ड जो होता है उससे लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आपके सैमसंग अकाउंट के साथ में, एंड उसके बाद आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उस अकॉर्डिंगली इसे एक्टिवेट कर सकते हो, एंड आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये पहले से पता था या फिर आपको ये बाद में पता चला, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे जो है बहुत शोर हो रहा है गाड़ियों का, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी बढ़िया से टॉपिक के साथ में।